हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक ईमेल। ईमेल टॉपिक आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और ये आपका चैप्टर थर्ड है यूनिट एट का। एंड यूनिट एट हम पेपर वन, पेपर कोड वन की या पेपर वन की डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ईमेल सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईमेल होता क्या है। शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल, और ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेली कम्युनिकेशन। तो अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब जिस तरीके से आप पहले मेल भेजते थे उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कंप्यूटर में और वो एक्सचेंज की जाती है दो यूजर्स के द्वारा, या आप कह सकते हैं दो से ज़्यादा यूज़र्स भी वहाँ हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ओवर कंप्यूटर उसको हम बोलते हैं ईमेल, और ये इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर्स में ही स्टोर्ड होती हैं। देन अगर मैं बात करूँ मोर प्लेनली, ईमेल इज़ अ मैसेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस और मोर अटैचमेंट सेंट थ्रू अ नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इनमें क्या हो सकता है, ईमेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ईमेल में जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, अटैचमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा मतलब अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो आप अटैच करके भेजते हो मेल के साथ, ठीक है, वो आपके अटैचमेंट हो गए। और ये क्या होगा, इसको हम एक नेटवर्क के थ्रू भेजेंगे। अब यहाँ पे नेटवर्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका नेटवर्क नहीं होगा तो आपका कोई भी ईमेल जो होगा, कोई भी मैसेज जो होगा, वो आप भेज नहीं पाओगे और रिसीवर को वो मैसेज आपका नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ पे हम जो इंटरनेट है उसको यूज़ कर रहे हैं, और क्या कौन सा मैसेज हम भेज रहे हैं, हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो कि आप समझ सकते हो। और देन अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट ईमेल किसने सेंड किया था, तो ये सेंड किया था रे टॉमलिंसन ने 1971 में। ये आपको याद होना चाहिए, ये हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछा जाए, तो ये भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल का, ईमेल होता क्या है, या अटैचमेंट जो भी हम फाइल्स टेक्स्ट इमेजेस भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल का क्या एडवांटेज होता है, ईमेल हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो पहला जो बेनिफिट है वो आपका फ्री डिलीवरी है। सेंडिंग एन ईमेल इज़ वर्चुअली फ्री आउटसाइड द कॉस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्विस, देयर इज़ नो नीड टू बाय अ पोस्टेज स्टैम्प टू सेंड अ लेटर। तो बेसिकली देखिए, अब इसको हम फ्री डिलीवरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कोई भी पोस्ट में कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, पोस्टेज स्टैम्प खरीदना नहीं पड़ा है हमें। जो आपका पैसा है वो बेसिकली जो आपने इंटरनेट सर्विस ली है वही कॉस्ट आप पे कर रहे हो उसके, मतलब ईमेल के लिए, पर्टिकुलरली ईमेल के लिए कोई पैसा आपको नहीं पे करना होता है। ग्लोबल डिलीवरी, ईमेल कैन बी सेंड टू नियरली एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड टू एनी कंट्री। अब हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, अगर आपको एक लेटर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑलमोस्ट अगर एक आपका छोटा सा लेटर है और मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा भेजने वाले हैं उस लेटर को, तो ऑलमोस्ट आपको अगर आप इंडियन पोस्ट यूज़ करेंगे तो भी आपको 600 से 700 आपकी कॉस्टिंग जो जाएगी उसमें। बट अगर आप हम इसकी ईमेल की बात करें तो आप कभी भी लेटर कहीं पर भी भेज सकते हो और इसमें ग्लोबल डिलीवरी होती है, आपको कोई भी डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पर नहीं खर्च करना पड़ता है। इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो टाइम ट्रेवल, जब आपका जो पहले आप जैसे मेल करते थे जो कि आपका पोस्ट से ट्रेवल होता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, मतलब अगर आप एक साइड हो वर्ल्ड के और आपको दूसरी साइड वर्ल्ड के कोई पोस्ट भेजना है तो इट टेक अराउंड 1 month टू रीच देयर। बट यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट डिलीवरी ईमेल का क्या फ़ायदा है कि आप कभी भी अगर आपने तुरंत मेल किया तो आप उस पर्सन को तुरंत ही वो मेल मिल जाता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो मेल उस पर्सन तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही इंस्टेंटली सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है बाय द रिसिपिएंट्स ओवर द इंटरनेट। उसके अलावा फाइल अटैचमेंट की भी सुविधा होती है, यहाँ पे आप सिर्फ लेटर, सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेज सकते हो, उसके अलावा उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, पिक्चर्स भेज सकते हो, अदर फाइल्स भी भेज सकते हो। तो अटैचमेंट की जो यहाँ पर सुविधा है वो नॉर्मल जो मेल था
या जो नॉर्मल पोस्ट होती थी उसमें ये सुविधा नहीं अवेलेबल थी। देन लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात हम कर रहे हैं तो जो ईमेल होता है आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी ईमेल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है और ऑलमोस्ट जो ईमेल्स पड़े होते हैं आपके वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक पड़े रहते हैं, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो उनको, उनको आप आर्काइवल के लिए डाल सकते हो, उनको आर्काइव कर सकते हो। तो ये जो सुविधा है ये अगेन जो मैनुअल चीज़ें थी, मैनुअली हम बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई भी मेल स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिकली ये पॉसिबल है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सेंडिंग एन ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपर, कार्डबोर्ड और पैकिंग टेप, कंजर्विंग पेपर रिसोर्सेज। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पेपर नहीं यूज़ कर रहे हो, ये एक पेपरलेस मीडियम है। कार्डबोर्ड आप उसको पैकिंग करने में आपका कार्डबोर्ड नहीं वेस्ट हो रहा है, पैकिंग टेप आपका नहीं लग रहा है, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर रहे हो। तो अगेन ईमेल एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मेथड है मेल भेजने का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ईमेल। ईमेल से रिलेटेड कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो पहला है आपका सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बन कॉपी का। कार्बन कॉपी इज अ कॉपी ऑफ एन ईमेल मैसेज सेंड टू एन रिसिपिएंट हुज ईमेल एड्रेस अपीयर्स इन द मैसेज सीसी हेडर फील्ड। तो जब आप मेल देखोगे, जब हम ईमेल सेंड करते हैं वहां पे टू लिखा रहता है, उसके बाद सीसी लिखा रहता है, फिर बीसीसी लिखा रहता है, फिर सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो जो सीसी होता है आपका, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी की। सेम जैसे अगर आप इसको समझना चाहते हो, आप इसको जेरोक्स या कार्बन कॉपी से समझ सकते हो। जब हम कार्बन कॉपी करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ की हम डुप्लीकेट शीट्स निकालते हैं। सेम वही चीज़ मेल है, मतलब आप एक सिंगल मेल को टाइप करोगे और अगर आपने सीसी में एक से ज़्यादा लोगों के नाम डाले हैं तो वही सेम मेल डुप्लीकेट होके इन सबके पास जाएगी। मतलब कंटेंट आपका सेम रहेगा और सेम चीज़ें सबके पास जाएंगी। तो ये आपका बेनिफिट है सीसी का। देन अगर मैं ईमेल एड्रेस की बात करूं, जो ईमेल एड्रेस जिसको हम टू में डालते हैं, तो ईमेल एड्रेस होता क्या है? ईमेल एड्रेस होता है, एन ईमेल एड्रेस इज अ नेम फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स दैट कैन रिसीव एंड सेंड ईमेल मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क सच एज इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क नॉट कनेक्टेड टू द वाइडर इंटरनेट। अब आप सोचोगे कि पोस्ट बॉक्स का क्या मतलब है मैम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स क्यों कहा गया है? देखिए, जो पहले जो पोस्ट की सुविधा थी इंडिया में भी, और अगर आप अभी भी बाकी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है वो आपके घर पे जाके पोस्ट नहीं डिलीवर करता है, आपका एक मेल बॉक्स होता है, आपके सारे पोस्ट उस मेल बॉक्स में चले जाते हैं, उसको हम पोस्ट बॉक्स बोलते हैं। उस पोस्ट बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पे जाकर आप उस पोस्ट बॉक्स से अपने लेटर्स को ले सकते हैं। कुछ कुछ लोग के जो पोस्ट बॉक्स होते हैं वो जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहीं पे होते हैं, कुछ लोग ऐसे पोस्ट बॉक्स होते हैं जो उनके घर पे होते हैं या घर के सामने होते हैं, तो वहां से आप पोस्ट ले सकते हो। तो ये जो पोस्ट बॉक्स का सिस्टम है वही सेम चीज ईमेल एड्रेस भी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स है जहां पे आपके सारे मेल्स पहुंच जाते हैं, जहां पे आपके सारे ईमेल्स पहुंच जाते हैं, और वहां से आप अपनी ईमेल्स देख सकते हो या ले सकते हो। तो ये आपका ईमेल एड्रेस है, जिस तरह से आपका पोस्ट बॉक्स एड्रेस होता था उसी तरीके से ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपके सारे मेल रिसीव किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं। देन आपका आता है ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी क्या है? ईमेल बॉडी, द ईमेल बॉडी इज अ मेन पार्ट ऑफ ईमेल मैसेज दैट कंटेन्स द मैसेज टेक्स्ट इमेज एंड अदर डेटा सच एज अटैच फाइल। तो जो आपका सब्जेक्ट के बाद जो मेन बॉडी आता है, जहाँ पे आप लेटर टाइप करते हो, जहाँ पे आप ईमेल लिखते हो, उसको हम ईमेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो कंटेंट होता है आपका, चाहे वो मैसेज टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो या फिर अटैच फाइल हो, ये सारी चीज़ें यहीं पर आएगी। जो अटैचमेंट आप करते हो वो भी यहाँ पर आपके शो करेगा। देन आपका आता है ईमेल क्लाइंट। एन ईमेल क्लाइंट इज अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल यूज टू रीड एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो ईमेल क्लाइंट कौन है? ईमेल क्लाइंट वो प्रोग्राम है या कंप्यूटर है या मोबाइल डिवाइस है जिसके थ्रू आप मैसेज रीड कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, उसको हम ईमेल क्लाइंट बोलेंगे। देन आपका आता है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मेल ट्रांसफर करते हैं, या आप कह सकते हो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आपके मेल को ट्रांसफर करने में फैसिलिटेट करता है। एसएमटीपी शॉर्ट फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल ऑन द इंटरनेट। इट डिफाइंस अ मैसेज फॉर्मेट एंड अ प्रोसीजर टू रूट मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया ईमेल सर्वर्स। तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये आपके सबसे पहले मैसेज के
फॉर्मेट को देखता है, उसके प्रोसीजर को देखता है, उसके बाद उसी तरीके से मैसेज को भेजता है वहाँ पे जहाँ पे उसको जाना होता है। और कैसे ये भेजता है, किसके थ्रू भेजता है, ये भेजता है ईमेल सर्वर्स के थ्रू। तो ईमेल सर्वर्स के हेल्प से SMTP आपके जो मैसेजेस होते हैं उनको रूट करता है, उनको डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है और वहाँ पर इनको भेजता है। नेक्स्ट है आपका IMAP। IMAP अगेन ये एक आपका प्रोटोकॉल है। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। शॉर्ट फॉर इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग मेल फ्रॉम एन EMP IMAP सर्वर। IMAP अलाउज ईमेल प्रोग्राम टू एक्सेस नॉट ओनली न्यू मैसेजेस बट ऑल्सो फोल्डर्स ऑन द सर्वर। एक्शंस आर सिंक्रोनाइज बिटवीन मल्टीपल ईमेल प्रोग्राम कनेक्टेड थ्रू IMAP। अब देखिए, जब आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज को भेजते हो तो वहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो कि आपके मेल को रिसीव करते हैं और उसके साथ साथ आपके फोल्डर्स को भी एक्सेस करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने मैसेजेस को देख सकिए, आप अपने फोल्डर्स को एक्सेस कर सकिए, ये सारे प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं IMAP प्रोटोकॉल, जो कि आपके मैसेजिंग एक्सेस में हेल्प करते हैं आपकी। आपको मैसेज, जब आपको मान लीजिए कोई मैसेज मिलता है, अब आप उस मैसेज को एक्सेस कैसे करोगे, उसको पढ़ोगे कैसे, उसको ओपन कैसे करोगे या उसको एडिट कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें किससे हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है आपकी IMAP प्रोटोकॉल से। एक्शंस आर सिंक्रोनाइज बिटवीन मल्टीपल ईमेल प्रोग्राम्स कनेक्टेड थ्रू IMAP। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो मल्टीपल ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं, इन सारे ईमेल प्रोग्राम्स के बीच में ये सिंक्रोनाइज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है और उसी हिसाब से उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये पूरी फंक्शनिंग जो होती है ये प्रॉपरली हो पाती है। मेल टू, नेक्स्ट आपका आता है मेल टू। मेल टू इज एन HTML tag that allows visitor to a site to click on a link that creates a new message in their default email program. It is possible to set not only a default email recipient but also default subject and message body content. तो email क्या है? Email एक HTML tag है जिसके through ये विजिटर्स को अलाउ करता है कि वो एक साइट पे क्लिक करें और उस लिंक के थ्रू एक मैसेज को क्रिएट करें। और ये क्या होता है, और कैसे वो मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो उनका डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम होगा, जिस तरीके से वहाँ पे ईमेल बनाया जा सकता है उसी तरीके से वो मैसेज को बना सकते हैं, मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट ईमेल रिसिपिएंट ही आप वहाँ पे डालो, आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी और मैसेज भी डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एक पर्सन को बार बार एक ही मेल करना है या आपको मल्टीपल लोगों को एक ही मेल बार बार करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने एक डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेट कर दी है कि I'm out of country and you can reach me in 15 days or I'm traveling, you can reach me in one week. तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो मैसेज होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। डिफ़ॉल्ट मैसेजेस को या डिफ़ॉल्ट बॉडी कंटेंट को हम डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट्स को भी भेज सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट सेम होगा, या फिर ईमेल रेसिपिएंट्स भी हमारे डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। तो जब हमें डिफ़ॉल्ट करना होता है चीज़ों को तो हम मेल टू को हेल्प करते हैं या मेल टू की हेल्प लेते हैं। या इसके अलावा हम न्यू मैसेजेस जब क्रिएट करेंगे और उसमें हम ईमेल प्रोग्राम्स डालेंगे या डिफॉल्ट लिंक हमें डालना है, न्यू मैसेजेस क्रिएट करना है, तो भी हम मेल टू का यूज़ करेंगे। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग बेसिकली, फिशिंग एक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है। फिशिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ये वो वाली फिशिंग नहीं है, ये PHISHING वाली फिशिंग है। फिशिंग बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है इन विच प्राइवेट डेटा इज कैप्चर्ड ऑन वेबसाइट्स और थ्रू एन ईमेल डेजिग्नेटेड और डिजाइन टू लुक लाइक अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। तो फिशिंग में क्या होता है, अगर आपको फिशिंग के बारे में नॉलेज हो तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि एक कोई भी मान लीजिए कोई साइट है, ठीक है, या मान लीजिए अमेजोन की साइट है और उसी के जैसी एक फॉर्डलेंट साइट बना दी गई सेम वैसी ही, और उसको आप amazon.in मान लीजिए आपको जाना चाहिए और आप किसी और डोमेन नेम पे चले गए और वो जो साइट है वो फ्रॉडलेंट है, ठीक है, आपने वहाँ ट्रांजेक्शन किया और आपका जो ट्रांजेक्शन आपके पैसे कट गए बट सामान आपको या जो सर्विस आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली, ठीक है। तो ये बेसिक फिशिंग का नेचर होता है, इस तरीके से बेसिक फिशिंग की जाती है। बैंक की वेबसाइट्स के साथ ऐसा बहुत होता है, जैसे मान लीजिए कि SBI की कोई वेबसाइट है और उसी जैसी एक और वेबसाइट, कोई फेक वेबसाइट क्रिएट की गई जो कि बिल्कुल दिखती सेम वैसी ही है बट वो रियल नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि HTTPs के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे S लगा है तो ही आपको कोई ट्रांजैक्शन वहाँ पे करना चाहिए, अगर S नहीं लगा है तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं करना चाहिए।
और इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं जो कि ईमेल अलर्ट के थ्रू लोगों को पहुंचाए जाते हैं। जैसे आपके ऊपर आपके पास आता होंगे ईमेल कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वोन दिस प्राइज और यू हैव वोन दिस कार, तो इस तरीके के जो ईमेल्स होते हैं उनके थ्रू भी फिशिंग की जाती है। तो जब वहाँ पर आप उस ईमेल को अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप इस साइट पर जाइए और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो डालिए। तो जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड के थ्रू क्या होता है, पासवर्ड के थ्रू वो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो पासवर्ड उनको दिखता है। जैसे मान लीजिए आपने पासवर्ड डाला, जो भी आपने पासवर्ड डाला उसके बाद वो ऐसे बन के आता है, ठीक है। बट उनको क्या है, उनको ये चीज़ विजिबल होगी, उनको ये विजिबल होगा, आपका रियल पासवर्ड जो होगा वो उनको पता होगा, तो उसके थ्रू वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। तो ये जो होती है इसको पासवर्ड फिशिंग भी बोलते हैं। जो पर्टिकुलरली कोई जो फिशिंग हो रही है वो पासवर्ड के थ्रू हो रही है तो उसको पासवर्ड फिशिंग बोलेंगे। अगर एक फिशिंग किसी वेबसाइट के थ्रू हो रही है या बाकी किसी मेथड के थ्रू हो रही है तो उसको हम फिशिंग बोलेंगे। ओके, तो ये बेसिकली फिशिंग का नेचर है, इस तरीके से फिशिंग होती है, ये एक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है। आई होप आपको फिशिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस एन ईमेल सर्वर एंड अ वे टू रिट्रीव मेल फ्रॉम इट। तो बेसिकली POP जो प्रोटोकॉल होता है इसका ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हमें ईमेल सर्वर के बारे में पता चलता है और किस तरीके से हमें मेल लेना है या मेल जो हम रिट्रीव कर रहे हैं उसका वे क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें बैकेंड पे होती हैं जी, जैसे POP हो गया वो बैकेंड होगा, आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको मेल ऐसे भेजना है और आपको ऐसे मेल मिल रहा है, बट उसके पीछे क्या काम हो रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं और आपको ये सारी चीजें करके दे रहे हैं, हम उन प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू IMAP, POP ओनली लेट्स द ईमेल क्लाइंट डाउनलोड रीसेंट मैसेजेस टू बी मैनेज्ड इन द प्रोग्राम और इन द डिवाइस। IMAP पे क्या होता था कि आप कोई भी जो मैसेजेस होते थे, आप मल्टीपल सर्वर्स के मैसेजेस हैं, मल्टीपल क्लाइंट के मैसेजेस हैं, उनको आप ले सकते थे। बट POP के पे क्या होता है कि सिर्फ जो डाउनलोड उन्हीं मैसेजेस को आप कर सकते हो जो रीसेंट होते हैं और किसी प्रोग्राम के थ्रू या डिवाइस के थ्रू मैनेज हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं ईमेल्स में। तो जो बेसिक आपकी जो मतलब कंपनीज होती हैं या आप कह लो कि जो बेसिक जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं ये उनके द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पैम। स्पैम क्या होता है, स्पैम इज अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, नॉट ऑल सॉलिसिटेटेड ईमेल इज स्पैम, हाउएवर मोस्ट स्पैम इज सेंट इन बल्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस एंड एडवर्टाइजेस मोस्ट प्रोडक्ट और कंसिडरेबली लेस ऑफ एन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। तो स्पैम होता क्या है, देखिए स्पैम वो मेल होते हैं जो कि आपके अनसॉलिसिटेटेड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें आते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा बल्क में आपके उसमें आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ऐसे फोल्डर में चले जाते हैं, वहाँ पे आपका जो एक्सेस होता है वहाँ पे बल्क वाले मैसेजेस जाते हैं, आप ये चीज़ कह सकते हो। तो इस वजह से मतलब आप कह सकते हो कि आपके ईमेल में आपने देखा होगा कि एक फोल्डर होता है वहाँ पे स्पैम पड़ा रहता है, ठीक है, स्पैम के नाम से एक फोल्डर है, आप कभी अगर उसको ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपके ईमेल्स पड़े होंगे जो कि बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो जो चीज़ एडवर्टाइज करने वाली चीज़ें होती हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं या ऐसे मेल्स जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ईमेल एड्रेसेस हैं, वो मोस्टली स्पैम में जाते हैं। अब आपका स्पैमर क्या होगा, स्पैमर वो पर्सन होगा या एंटिटी होगी जो आपको स्पैम मैसेजेस भेजेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं बीइंग अ पर्सन, मैं डायनेमिक स्टडी की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजती हूँ परचेजिंग के लिए, इस तरह के उसके लिए, तो वो क्या होगा, वो एक स्पैम मैसेजेस होंगे, ठीक है, और डायनेमिक स्टडी को स्पैमर आप बोलेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। तो जब भी कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्रमोशनल चीज़ों के लिए स्पैम भेजी हो या मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए भेजी हो, तो उसको आपको स्पैम में आपको मतलब वो स्पैम में डेटा जाता है। अब स्पैम को आप कैसे स्पैम एंड नॉन स्पैम में कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको मेल भेजा तो आपको अपना स्पैम बॉक्स जो है वो चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा मेल हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे, आपको स्पैम आपके चेक करनी चाहिए और वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन से मैसेज आपके लिए स्पैम नहीं है और कौन से मैसेजेस आपके लिए स्पैम है। नेक्स्ट आपका है टू। तो द टू लाइन क्या होता है, लाइन इज एन ईमेल कंटेंट इट प्राइमरी रिसिपिएंट और रिसिपिएंट्स। तो टू जो होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले जो लाइन आती है वो टू की आती है, तो टू में आप रिसिपिएंट डालते हो, टू की जो लाइन होगी वो बेसिकली उसमें आप उसका नाम डालोगे जिसको आप मेल भेज रहे हो।
यूनिकोड्स क्या होते हैं? यूनिकोड्स इज अ वे टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स एंड सिंबल्स ऑन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विद सपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स राइटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग अफ्रीकन, अरेबिक, एशियन एंड वेस्टर्न. तो यूनिकोड एक करेक्टर होते हैं या सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप मैसेज डालते हो या मैसेज लिखते हो. तो जो करेक्टर और मैसेजेस या जो सिंबल्स आप मैसेज में यूज करते हो उनको हम यूनिकोड बोलते हैं. अब ये जो कोड्स होते हैं ये आपके अफ्रीकन, इसमें अफ्रीकन जो नंबर सिस्टम है या अफ्रीकन जो राइटिंग सिस्टम्स है वो भी आता है, इसमें अरेबिक भी आता है, एशियन भी आता है, वेस्टर्न भी आता है, इन सबको मिलाकर यूनिकोड बनाए गए हैं. और यूनिकोड के थ्रू ही आप मैसेज को लिखते हो या मैसेज आप उसी तरीके से मैसेज को टाइप करते हो. नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ईमेल का मैसेज होता है जिसके थ्रू आप ये बताते हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि जब आप एप्लीकेशंस लिखते थे स्कूल के टाइम पे या आप लेटर्स लिखते थे तो उस पर सब्जेक्ट डालते थे. सब्जेक्ट में बेसिकली आप ये लिखते हो कि किस बारे में है आपका ईमेल. ठीक है, आज जैसे मान लीजिए आपने मुझे ईमेल किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल करते हैं, तो उसमें अगर आपने सब्जेक्ट इजीली मेंशन किया है तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. और मान लीजिए कि आपने सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया तो उससे मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका जो मैसेज है या जो आपका ईमेल है वो किस चीज़ के बारे में है. ओके, तो इसलिए सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. देन आपका आता है थ्रेड जैकिंग. थ्रेड जैकिंग और थ्रेड वैकिंग इज अ स्टील ऑफ द ओरिजिनल टॉपिक इन एन ईमेल थ्रेड, स्पेशली ऑन द मेलिंग लिस्ट. थ्रेड जैकिंग कैन ऑल्सो अप्लाई टू अदर कन्वर्जेशन ऑन द इंटरनेट, ऑफकोर्स से ऑन मैसेज बोर्ड, ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्किंग साइट. वेदर द थ्रेड जैकर चेंजेस द सब्जेक्ट लाइन टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द सब्जेक्ट और रिटेन द ओरिजिनल ईमेल सब्जेक्ट टू टेक ओवर अ थ्रेड कैन बी रिगार्डेड एज थ्रेड जैकिंग इन आइदर केसेस. तो इसमें थ्रेड जैकिंग में क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आपको मेल भेजी जा रही है और उससे आपको कोई मतलब आप कह सकते हो कि वो लोग जो हैं वो आपके मेलिंग लिस्ट में है नहीं, बट आपको कन्वर्जेशन या आपका इंटरेस्ट पाने के लिए, आपका अटेंशन सीक करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट को चेंज करते रहते हैं. जब हम बार बार सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट लाइन चेंज करते हैं और ईमेल में सेम चीज़ें हम बार बार वही चीज़ें कहते हैं, वही आपका जो ईमेल का कंटेंट होता है वो सेम होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम थ्रेड जैकिंग कहते हैं. ओके, देन अगर ईमेल का कंटेंट जो है वो आपका अलग है और सब्जेक्ट लाइन बार बार आपकी चेंज हो रही है, सॉरी नहीं चेंज हो रही है, मतलब दोनों ही केसेस में, चाहे आपका सब्जेक्ट बार बार चेंज हो और आपका जो कंटेंट है वो चेंज ना हो, चाहे आपका कंटेंट बार बार चेंज हो और सब्जेक्ट जो है वो ना चेंज हो, इन दोनों ही चीज़ों को हम थ्रेड जैकिंग बोलेंगे. देन आपका आता है वॉर्म. वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक प्रोग्राम होता है और स्क्रिप्ट होती है दैट रेप्लीकेट्स इटसेल्फ एंड मूव्स थ्रू अ नेटवर्क, typically traveling for sending new copies or itself via email. Many worms have no negative effect except resource consumption, but some will perform malicious action. तो worm क्या होता है? जैसे आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा. ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक वायरस है जो कि अपने आप को मतलब बढ़ाता रहता है. जैसे मान लीजिए एक ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आ गया तो उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा और ये 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होते जाएंगे, ये बढ़ते जाते हैं. इसी तरीके से वॉर्म भी होता है. वॉर्म भी आपका जो अटैचमेंट होता है उसके थ्रू चलता है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है. बेसिकली जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो मालिशियस होता है, मतलब वो एक वायरस होता है. वॉर्म क्या है? वॉर्म मालिशियस नहीं है, बट कभी कभी वॉर्म में भी वायरस का खतरा होता है. तो जो ये वॉर्म है ये बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होता है. इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये रिसोर्स कंजम्पशन बहुत करता है, मतलब इसकी जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से आपका कंप्यूटर में जो रिसोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है, मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है. सो और एक टॉपिक और है जो मैंने अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, जो कि आपका रिलेटेड था सीसी से. जब मैंने आपको सीसी एक्सप्लेन किया था वहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो क्या होता है बीसीसी. तो सीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन कॉपी वो होती है जब आप सेम डुप्लीकेट मेल्स आप डिफरेंट रेसिपियंट्स को सेंड करते हो. और सीसी और सीसीसी में बीसीसी में अंतर क्या है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी में आपके जितने रेसिपियंट्स होंगे उन सबको पता चल जाएगा कि आपने किसको और किसको मेल भेजा है. ठीक है, रेसिपियंट का जो नेम होगा वो आपका विजिबल होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक मेल भेजा राज को, एक मैंने भेजा लता को, एक मैंने भेजा किरण को, तो राज को भी पता होगा कि मैंने लता को मेल भेजा है और किरण को मेल भेजा है. किरण को भी पता होगा कि मैंने लता को मेल भेजा और राज को मेल भेजा है, क्योंकि इन दोनों लोग की आईडी वहां पे शो करेगी.
बीसीसी में क्या होगा, मैं इन तीनों को मेल करूंगी, राज को, लता को और किरण को, बट इन तीनों को पता नहीं होगा कि ये सेम मेल बाकी लोगों को भी भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पे उनको सिर्फ अपना रेसिपिएंट नेम ही दिखेगा, ओके, उनको अपनी ही ईमेल आईडी सिर्फ दिखेगी। तो जब टू होता है उसके बाद सीसी होता है, देन आपका बीसीसी आता है। तो अगर आप सीसी को अवॉइड करना चाहते हो और आप सेम मेल को काफ़ी सारे लोगों को भेजना चाहते हो और आप चाहते हो कि किसी और को, मतलब उनमें से जिनको भी आप भेज रहे हो उनको पता ना चले कि आपने और सेम मेल किसको भेजा है, तो आप वहाँ पे बीसीसी का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, बट अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिजिटल स्टोर पर डाल रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।